हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। आज हम राउंड ब्रशेस के बारे में बात करेंगे जो कि कोरेट कंपनी के हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है और चलिए पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका रिव्यू देती हूँ कि किस तरह कैसे हैं। अभी मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये कैसे हैं और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैं डेमो करके भी दिखाऊँगी। और ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम के बाद यूज़ करने के बाद बनाई है, इसको मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्वालिटी अच्छी है और मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम बताते हैं, ये इसमें 13 टोटल ब्रशेज़ हैं और ये कोरेट कंपनी है, नया नाम है, लेकिन इसके जो ब्रशेज़ हैं बहुत अच्छे हैं। अक्सर जो आते हैं जो ब्रशेज़ राउंड ब्रशेज़ वो शॉर्ट हैंडल में आते हैं, और लेकिन ये जो ब्रशेज़ हैं लॉन्ग हैंडल जैसे फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं उसी तरह जो इसके काफ़ी लॉन्ग हैं और मतलब जो इसका फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और अब बात करें अगर इसकी हम हेयर की तो इसकी क्वालिटी भी बहुत परफेक्ट है, सॉफ्ट है और जो इसका टिप है काफ़ी शार्प है जैसा कि एक राउंड ब्रश में होना चाहिए। और बताया मैंने आपको कि टोटल 13 ब्रशेज़ हैं इसमें, 0 नंबर से स्टार्ट होता है और जो इसका मैक्सिमम जो कि ये जो थिक ब्रश है मोटा वो 24 का है। जनरली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो 12 नंबर तक ही मिल पाते हैं हमें, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑनलाइन देखा था कि मुझे 24 नंबर का मिला था। अगर इस देखिए इस पर अगर हम इसे डेमो करके इस पर आपको दिखाते हैं, ये काफ़ी फाइन लाइन देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है और फाइन लाइन आप देख सकते हैं, इसलिए इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी आप वाटर कलर के लिए ब्रश या राउंड ब्रश आप परचेज़ करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो उसका टिप होता है वो काफ़ी नुकीला होना चाहिए, शार्प होना चाहिए और उसकी जो हेयर है इधर उधर निकले हुए नहीं होने चाहिए। देखिए आप कितना थिक होने के बाद भी जो इसका टिप है एकदम शार्प है, ये देखिए। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जब भी आप अगर ब्रश लेते हैं तो आप इसको इस तरह से डिप करके एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्रश अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। अगर आप मार्केट में तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब आप परचेज कर लेते हैं तो आप एक बार इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कि ये मैंने अच्छे परचेज़ किए हैं, तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि ब्रश अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर आप सिर्फ देखकर ही पता लगाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में तो हम नहीं कर सकते, तो आप इसकी जो टिप होती है इसको इस तरह से देख सकते हैं कि शार्प होनी चाहिए, चाहे कितना भी थिक क्यों ना हो लेकिन जो उसकी टिप है इस तरह से शार्प रहेगी। एक भी देखिए एक भी इसका जो हेयर है इधर उधर नहीं निकला हुआ है। तो मैंने ये यूज़ किया है, आप इसे बिना किसी डाउट के परचेज़ कर सकते हैं और ये बिगनर्स के लिए भी या प्रोफेशनल आर्टिस्ट दोनों के लिए परफेक्ट है। मैं इसको बिगनर्स के लिए भी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि बिगनर्स के लिए अच्छा मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है तभी आप पेंटिंग इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और मटेरियल भी आपके पास अच्छा नहीं है तो पेंटिंग करना काफ़ी टफ हो जाएगा और उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको लगेगा कि आप काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा मटेरियल भी हमारा अच्छा वर्क करने में रोल प्ले करता है। तो इसलिए जब भी आप ब्रश को ख़रीदें तो एक बार उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। तो आप ये वाले ब्रश वाटर कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग हैंडल ब्रश हैं और सॉफ्ट हेयर हैं और देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा है। और इसका लिंक जो परचेज़ करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी करी वहाँ से परचेज़ इसको क्लिक करें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि ब्रशेस पे थी, जिसमें भी कई तरह के ब्रशेस थे, एक कॉम्बो पैकेट था जो बहुत अच्छा था कि अगर आप एक कॉम्बो ले लें तो आपको कोई अलग अलग ब्रशेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।
ये देखिए आप, ये मैंने एक्रेलिक से किया है, तो एक्रेलिक में भी इसका लुक जो हम बनाते हैं काफ़ी अच्छा आता है। तो आप एक्रेलिक में इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप इस तरह से वन स्ट्रोक पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप इस तरह पेटल्स बनाना चाहते हैं फ्लावर की, तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए, ये 24 नंबर का ब्रश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त। अभी ये तो मैं आपको सिर्फ जनरली आप ऐसे ही वर्क करके दिखा रही हूँ, ये स्ट्रोक किस तरह से आएगा। आप इसे और भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और इसका 0 नंबर का ब्रश भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ लाइन बनती है उससे, जो भी आपने देखा था। अगर आपके ब्रश अच्छे हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत इजीली उसको हैंडल भी किया जा सकता है। ये आप इस तरह से देखिए, मतलब आप एक बार मोटे ब्रश से भी आप पतली लाइन बना सकते हैं, क्योंकि उसका टिप अच्छा है तो आप उससे अच्छी लाइन बना सकते हैं। ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकती हैं अच्छे से ब्रश से। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं ऑन ब्रशेस के बारे में या पेंट के बारे में, या कोई भी क्वेरीज आपके मन में है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई ये भी हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि मार्केट में कई तरह के ब्रशेस होते हैं, जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।